हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं स्नेहलता दुबे अब आपको खस्ता पूड़ी बताऊंगी जो मैंने आटे में बनाया है। इसके लिए मैंने करीब 200 ग्राम या एक इस बड़ी कटोरी से मैंने आटा लिया है, जिसमें मैं आधी चम्मच अजवाइन डालूंगी क्रश करके। उसके बाद मैंने ये चम्मच लिया है, इसमें मैंने ऑयल डाला है रिफाइंड। आप चाहें तो देसी घी भी यूज कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसमें 1/4 छोटी चम्मच नमक लूंगी, ये आपकी जितनी आवश्यकता हो, जितना नमक आप पसंद करते हैं। ये फिर हम नमक, मोहन और अजवाइन, इन चीजों को मिला लेंगे। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी यूज कर सकते हैं। मिलाने के बाद हम धीमे धीमे आटा गूंथेंगे और इसे टाइट डो बनाएंगे। इसका हम ये आटा हम 5 से 6 मिनट गूंथेंगे, फिर 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। जब हमारा आटा तैयार हो जाएगा 10 मिनट बाद, तब हम इसे फिर 2 मिनट नीट करेंगे, तब ये हमारी पूड़ी बनने के लिए तैयार हो जाएगा। अब हम इसे नीट कर रहे हैं। मैंने 5-6 मिनट रोक कर फिर इसे आटे को गूंथ लिया है। हमारा आटा एकदम नरम हो गया है। अब मैं धीमे धीमे इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाऊंगी। आप ऐसे करके छोटे छोटे पेड़े काट दीजिए इसके सेम साइज के। मैंने ऑयल रख दिया है गरम होने को। धीमे धीमे मैं चकले को बना लूं। चकले पे भी ऑयल थोड़ा लगा दें। हम आटा गूंथते समय मैंने 200 ग्राम आटा लिया था, जिसमें एक बड़े चम्मच ऑयल, थोड़ी सी अजवाइन और नमक डालकर मैंने मिला लिया। फिर आटा धीमे धीमे पानी डालते हुए आटा जब तक एक दूसरे से मिलने न लगे तब तक मैंने पानी डाला। इसको मुझे टाइट डो बनाना था, तो मैंने इसे बहुत टाइट डो बनाया और फिर 5 मिनट मैंने रख दिया था इसे। 6 मिनट रख के फिर मैंने मैश करके फिर अब लोइयां काट रही हूँ। अब मैंने पूड़ी बेल रखी है, धीमे धीमे तेल में पूड़ी डालूंगी। आप अगर न्यू कमर्स हो तो आप झरने में करके पूड़ी डालिएगा। अब इसकी आंच मैं स्लो कर दूंगी ताकि हमारी पूरी करारी बने। आप लाल पूरी बनाना चाहते हैं तो थोड़ी देर रखना पड़ेगा आपको, और अगर व्हाइट करना है तो थोड़ा पहले उतार लीजिए।
ऐसे धीमे धीमे आप पूरी पूड़ियां तल लीजिए। पूरी 1 से 2 मिनट लगेगी एक पूरी तलने में, क्योंकि ये पूड़ियां पतली हैं, मोटी होंगी तो 2 से 3 मिनट भी लग सकती हैं। कचौड़ी वगैरह 5 मिनट तक लगती है इसलिए मांस में। देखिए मैंने इसको थोड़ा कम किया है कलर, मतलब आया इसमें जल्दी मैंने निकाल लिया। देखिए इसे भी मैंने आंच सिम कर दी है। आपका तेल गरम होने के बाद आप आंच को थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि मेरे बर्तन का तला बहुत पतला है इसलिए मैंने एकदम सिम किया है। अगर हैवी कढ़ाई हो और तले भारी हो तो आप तेज आंच में से किएगा। देखिए मैं इसे थोड़े से और कम सेक के उतार रही हूँ एकदम। अब आंच ठंडी हो जाए। अगर आप 3-4 पूड़ी एक साथ डालेंगी तो तेल का टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसलिए आप तेज आंच करके सेकिएगा। मैं एक एक पूड़ी छान रही हूँ इसलिए मैंने आंच स्लो रखी है। अब मेरी पूड़ी सर्व करने के लिए तैयार है। मैं इसे सर्विंग प्लेट में डाल दूंगी। अब मैं दूसरी पूड़ी भी हमारी तैयार हो गई है, मैं उसे निकाल लूंगी। मैं गैस ऑफ कर दे रही हूँ। देखिए अब ये करारी पूड़ियाँ फूली हुई तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी।